अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके साथ टंगड़ी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन के लेग पीसेस लेने हैं। उन्हें अच्छी तरह से क्लीन करके विनेगर एंड सॉल्ट के पानी में 15-20 मिनट्स के लिए भिगो के रख देना है। इसके बाद पानी रिमूव करके हम लेग पीसेस को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून दही लिया है और थोड़ा सा रेडीमेड तंदूरी मसाला लिया है। इस सब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। ध्यान रहे, ये मसाला जब हम मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से लेग पीसेस पे कोट होना चाहिए, क्योंकि हमने लेग पीसेस में कट्स लगाए हैं। कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर बोटी में जज्ब हो जाए। एक घंटे के बाद जब हम इसे फ्रिज में से निकालेंगे तो हमें इसे कोयले का थोड़ा सा स्मोक दिखाना है। इसके लिए हम एक कोयला गर्म करेंगे। कोयला अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसे स्टील की प्याली में या फिर एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर प्लेस करेंगे। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से प्लेस किया है। इसके बाद हम जलते हुए कोयले के ऊपर 1 चम्मच घी डाल देंगे और फौरन इसे लिड से ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे। 5 मिनट में ये धुआं लेग पीसेस में अच्छी तरीके से जज्ब हो जाता है। इसके बाद मैंने 2 लेग पीसेस को हाई रैक पे रख के माइक्रोवेव में 13 मिनट्स के लिए तंदूर कर लिया था। 13 मिनट्स में ये सिर्फ एक साइड से ही पकेगा, आपको दूसरे साइड से पकाने के लिए इसे फिर अनादर 13 मिनट्स के लिए टर्न करके प्लेस करना होगा। देखिए, फर्स्ट 13 मिनट्स में पक के ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, फिर हमें इसे टर्न कर देना है। फिर दोबारा से हम इसे माइक्रोवेव में प्लेस करेंगे और तंदूर कर लेंगे। अच्छी तरह से तंदूर होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा बटर मेल्ट करेंगे ताकि हम लेग पीसेस के ऊपर इसे ब्रश कर सकें। मैंने दोनों ही लेग पीसेस को सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। अब ये मेल्टेड बटर मैं इन दोनों पे अच्छी तरीके से ब्रश कर दूंगी। बस इसी तरीके से हमें बाकी बचे हुए लेग पीसेस को भी तंदूर कर लेना है। देखिए, मैंने चारों ही टंगड़ी कबाब पे बटर लगा दिया है और कुछ इस तरीके से इसे गार्निश करके प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।